दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीखकर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सॉल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सॉल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वो आपका वो जो जब वीडियो आपने यूट्यूब पे डाला था पहले पीसी का, तो उसके बाद महाराष्ट्र से मुझे बहुत कॉल आए थे कि हम क्या सर पे भरोसा कर सकते हैं, क्या उतना पैसा कैसे डालेंगे। तो मैंने बोला कि आंख बंद करके डाल लो, मेरे पास पीसी है और अच्छा भी चल रहा है और पूरा जो सामान है उसका मदरबोर्ड है सब जेन्युइन है, ओरिजिनल है, उसमें कोई दोराय नहीं है। महाराष्ट्र में मैंने बहुत सारे पीसी भेजे भी थे और आपके यवतमाल में, नांदेड़ में कई सारे पीसी हमने भेजे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। और मेरे पास से एक पीसी कुछ दिन पहले मैंने बना करके महाराष्ट्र भेजा था। सर का नाम था सदानंद जी और जिसकी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, हो सके कुछ लोगों ने ना देखा हो, लेकिन मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ था। सदानंद जी मेरे बनाए हुए पीसी से संतुष्ट होकर के और उसकी स्पीड से संतुष्ट होकर के प्लस मेरे काम करने के तरीके से संतुष्ट होकर के आज पुनः फिर एक नए पीसी का ऑर्डर दिया हुआ है जिसकी वीडियो आप देखने जा रहे हैं। तो आप भी अगर वीडियो एडिटिंग के लिए अभी तक यूट्यूब पे कई सारी वीडियो देख ली तो ये वीडियो आपके लिए एक खास वीडियो हो सकती है। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि मेरे पास बनते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए ज़बरदस्त पीसी बिल्कुल ही कम प्राइस में। तो दोस्तों, आज जो मशीन बनने वाली है ये बनने वाली है सदानंद जी महाराज के लिए और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनका फोटो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सदानंद जी भाई हैं। इनका पीसी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं पीछे भी एक बार बना करके भेज चुका हूँ, साथ ही साथ इनका कंप्लीट एड्रेस मैं फिर इस वीडियो में दिखाना चाहूँगा जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा हुआ था, मैंने क्रॉप करके लगाया है ताकि आप लोगों को ये जानकारी मिल सके कि ये पीसी जो बन रही है वो महाराष्ट्र में कहाँ पे डिलीवर होने वाली है। बाद बाकी इनका कुछ पेमेंट मेरे पास एडवांस के रूप में आया हुआ है, यहाँ पे आप वो भी देख पा रहे होंगे डेट के साथ। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं आगे और पीसी में क्या क्या पार्ट्स लग रहे हैं, पीसी की प्राइस क्या है, पीसी की स्पीड क्या है और एक घंटे का रेंडर कितना टाइम लेगा इस मशीन के अंदर, ये पूरी जानकारी देते हुए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये है मदरबोर्ड जो कि आज हम लगाने वाले हैं 19 फेस फुल डिजिटल VRM के साथ। और किसी भी हाई वर्क के लिए यानी कि वीडियो एडिटिंग हो गई या किसी ऐसे काम में जिसमें मशीन को रेंडर करना पड़ता है या फिर प्रोसेसर 100% लोड पे जाता है, ऐसे काम के लिए मदरबोर्ड का सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ के करना पड़ता है। दूसरी बात कि जो मदरबोर्ड आप सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो बिल्ड कर रहे हैं, वो जो सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी VRM सेक्शन काफ़ी मजबूत होनी चाहिए क्योंकि जितने भी लोड पड़ते हैं मशीन पे, यानी कि मदरबोर्ड पे, वो सारे जाते हैं पावर सप्लाई को और पावर सप्लाई अगर बढ़िया या मजबूत या शानदार नहीं है तो वो मशीन फिर अंडर पावर जाने लगेगा, यानी कि टाइम बढ़ जाएगा रेंडर का या फिर आपका टाइमलाइन फंसना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए बात। देखिए, यहाँ पे आपको एक उदाहरण से समझा दूँ कि आपका शरीर जितना भी वर्क करता है इसको एनर्जी मिलती है खाने के रूप में। अगर आपका खाना कमज़ोर होगा तो आपकी शरीर कमज़ोर हो जाएगी और आप उतने ताकत से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से हमारा मदरबोर्ड जो कि जितने भी काम आप इसको देते हैं, जो भी टास्क आप देते हैं, जो टास्क को ये पूरा करता है वो पूरा लोड जाता है पावर सप्लाई पर, और पावर सप्लाई सेक्शन अगर इसकी मजबूत नहीं है मदरबोर्ड आपका दबने लगेगा और जब मदरबोर्ड आपकी दबेगी तो फिर वहाँ पे परफॉर्मेंस लो देखने को आपको मिलेगा। तो ये मदरबोर्ड है काफ़ी ज़बरदस्त। इस मदरबोर्ड पे आप 4 स्टिक RAM की लगा सकते हैं, यानी कि 128 GB RAM ये सपोर्ट करेगा। 3-3 M.2 हाई स्पीड NVMe SSD आप इस पे लगा सकते हैं। जैसा कि हम आपको फिर बता दें, 19 फेज का फुल डिजिटल VRM है, वो भी MOSFET वाली, इसमें ट्रांजिस्टर वाली भी आती है। ज़्यादातर लोग देते हैं 1000-2000 का लालच देकर कि सर आप 91,700 का मशीन आप बनवा रहे हैं कहीं से, मैं आपको 90 का बना करके दे दूंगा, तो वहाँ पे आपके साथ झोलझाल हो जाती है। ऐसे लोगों से बचना है, मशीन जब भी बनवाइए, देखिए मशीन आपकी पावरफुल रहेगी तो ही आप पैसा कमा पाएंगे और मशीन आपकी अच्छी नहीं चलेगी तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो मशीन जब भी बनवाइए बेहतर जगह से एक बेहतर मशीन बनवाइए। और इसके हम बैक पैनल आपको दिखा दें, पूरा मेटल से कवर किया हुआ ये हमारा बैक पैनल है जो कि आप देख पा रहे हो USB के कई सारे ऑप्शन के साथ लैस है। साथ ही साथ इसमें आपको ब्लूटूथ और वाईफाई के लिए यहाँ पे टर्मिनल दिखाई दे रहा होगा, एंटीना भी इसके साथ मिलता है जो कि हम आपको यहाँ पे दिखाते हुए वीडियो को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ये हम सदानंद भाई को देकर के भेजेंगे और USB के कई सारे ऑप्शन जिसमें 2.0 से लेकर के 3.2 तक का अपडेट देखने को मिल जाएगा। और बात कर लें यहाँ पे डिस्प्ले की, तो DP पोर्ट प्लस HDMI दोनों
आपको इस मदरबोर्ड के साथ देखने को मिल जाएगा। टाइप सी और RJ45 का भी बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन इस मदरबोर्ड के साथ कंपनी ने अपडेट करके दिया हुआ है। और ये मशीन जो बनने वाली है, ये बनने वाली है कोर i7 32GB रैम, 250GB SSD, 650W की पावर सप्लाई के साथ एक बहुत ही बेहतरीन PC। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लगने वाले प्रोसेसर की। प्रोसेसर का नंबर हम आपको दिखाना चाहेंगे, 12700K सीरीज की प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर एक ऐसा प्रोसेसर है जिसमें हीटिंग की प्रॉब्लम ना आने के साथ साथ इस मशीन में कभी भी आपको ब्लू स्क्रीन की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ज़्यादातर लोग जो लोग PC चलाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि रेंडर लगाने के बाद उनको ब्लू स्क्रीन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो इस प्रोसेसर में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं इस प्रोसेसर के साथ कम से कम 1000 से ऊपर PC बिल्ड कर चुका हूँ और अभी तक शिकायत सुनने को नहीं मिला। तो ये प्रोसेसर हम लगाने वाले हैं, इसके साथ हम लगाने वाले हैं 32GB रैम। और जैसा कि जो पार्ट लगने वाले हैं सारा हम बता चुके हैं, तो देर न करते हुए बढ़ते आगे और जानकारी देते हैं आपको लगने वाले कैबिनेट की। ये कैबिनेट आप सामने देख पा रहे होंगे, इसमें फ्रंट में 3 फैन और पीछे 1 फैन लगा हुआ है। ऊपर के साइड में हम 2 फैन और लगाते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 120mm का बड़ा वाला CPU कूलर, ये हम लगाएंगे। और गीगाबाइट का ओरिजिनल पावर सप्लाई 650W की, जो कि 80+ ब्रोन सेटिस्फाइड पावर सप्लाई आती है। बाद बाकी सदानंद भाई ने बोला था कि सर हमें 2 हार्ड ड्राइव चाहिए, तो यहाँ पे 2 2 TB की हम 2 हार्ड ड्राइव भी इसके साथ लगाने वाले हैं। और ये सारा कुछ कंप्लीट करने में, बिल्ड करने में तकरीबन 40 मिनट का समय लग जाएगा। तो यहाँ पे हम आपका समय ना लेते हुए पूरा कंप्लीट PC बिल्ड कर लेते हैं। PC बिल्ड करके कंप्लीट वायरिंग और टाई कर लेते हैं। टाई करने के बाद वापस कैमरे पे आकर के PC की स्पीड बताते हुए इस PC की बफरिंग क्या है, 1 घंटे के रेंडर की टाइमिंग क्या है, ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और इस PC पे टोटल कितना कॉस्ट लगा हुआ है, ये भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो देख करके आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप अभी तक जो पीछे आपने वीडियो देखी उसमें कंप्लीट सदानंद भाई को एक फिर दोबारा PC जा रही है, इसकी जानकारी मैं दे करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। पुनः ये PC कंप्लीट हो चुकी है, मैं फिर आ गया हूँ कैमरे पर ये बताने के लिए। कंप्लीट PC कैसी लगती है ये आप देख पा रहे होंगे, कोर i7 मशीन है और ये केसेस की प्रोसेसर के साथ 12700K के साथ बनाया गया है। वीडियो एडिटिंग के लिए ये प्रोसेसर काफ़ी ज़बरदस्त है। 3 फैन फ्रंट में, 2 फैन ऊपर, 1 फैन पीछे, एक बड़ा वाला CPU कूलर, 12700K प्रोसेसर, 19 फेज फुल डिजिटल VRM वाली मदरबोर्ड, 250GB की SSD, 2 TB की एक हार्ड ड्राइव, 650W की सप्लाई, ये सारा कुछ लगा के बढ़िया तरीके से वायरिंग टाई वगैरह करके हमने इस PC को रेडी कर दिया है। PC की पिक्चर वगैरह हमने उनको भेज दी है, काफ़ी संतुष्ट हैं। लेकिन एक बार पुनः हम उनको कैमरे पे लेंगे, वीडियो कॉल पे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोबारा उन्होंने मुझे क्यों ऑर्डर दिया, ऐसा क्या देखा मेरे द्वारा बनाए गए PC में कि उन्होंने पुनः फिर यह मन बनाया कि एक PC और मेरे पास से बनवा करके मंगवाया जाए। कारण क्योंकि काफ़ी दूर हैं, ये PC महाराष्ट्र जाएगी, मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हूँ, तो तकरीबन 1500-1500 किलोमीटर के आसपास का सफ़र है। इतना लंबा दूरी तय करना PC बनवाने के लिए या मंगवाना इतने लंबे दूरी से, ऐसा तो क्या देखा उन्होंने मेरे काम के अंदर कि फिर से दोबारा ऑर्डर दिया। बात करते हैं उनसे वीडियो कॉल पे और जो जानकारी उनके द्वारा प्राप्त होगी वो हम आपको ऑन कैमरा दिखाते हैं। भैया जी नमस्कार, राम राम। राम राम सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में सर, बहुत बढ़िया, आप बताओ? बस बढ़िया, भगवान की कृपा है। और ये जानकारी मुझे चाहिए सदानंद भाई की, मैं आपको एक PC पहले भी भेज चुका हूँ जी, और आपने एक PC के लिए फिर ऑर्डर दिया हुआ है। हाँ। तो आखिर ऐसा क्या है मेरे काम में कि आपने दोबारा फिर मुझे ही चुना इस काम के लिए? देखिए सर, कैसे, मैं जब बैंगलोर में पढ़ाई करता था जी, तब मैंने एक PC बिल्ड किया था बैंगलोर में, तो तब हमको वहाँ पे फंसाया गया था। अच्छा। क्योंकि उतना नॉलेज तो नहीं था सॉफ्टवेयर के बारे में या हार्डवेयर के बारे में, नहीं क्या जी, तो कुछ पता नहीं था। जब मैं हमने रूम पे लाया तो हमें दूसरे जो बंदा था उसने बताया कि ये सब महंगा हुआ है, आपको फंसाया गया है जी जी। तो उसके बाद जब मैं हैदराबाद गया एजुकेशन होने के बाद, तो मेरा 70,000 का PC था, वहां पे भी मुझे फंसाया गया था। तो मैं आपको सर 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ और निरंतर आपके जितने भी वीडियो आते हैं। अच्छा। तो देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि सर पे हम विश्वास कर सकते हैं, सर इतना वीडियो डालते हैं तो विश्वास करने जैसा ही है। तो उसकी वजह से मैंने आपको ही चुना और मुझे जो आपने PC भेजा, मुझे 2 साल हो गए अभी वो PC यूज करते हुए, मुझे अब तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। इसकी वजह से
मैं और एक पीसी आपसे ही बनवाना चाहता था और बनवा भी दिया। चलिए बहुत बढ़िया पीसी बनी है, ये भी फोटो आपको भेजा ही हूँ, पीसी भी सामने पड़ी है और एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आपकी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारे महाराष्ट्र के लोग है मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वो आपका वो जो जब वीडियो आपने यूट्यूब पे डाला था पहले पीसी का जी, तो उसके बाद महाराष्ट्र से मुझे बहुत कॉल आए थे कि हम क्या सर पे भरोसा कर सकते हैं, क्या उतना पैसा कैसे डालेंगे। तो मैंने बोला कि आंख बंद करके डाल लो, मेरे पास पीसी है और अच्छा भी चल रहा है और पूरा जो सामान है उसका मदरबोर्ड है सब जेन्युइन है, ओरिजिनल है, उसमें कोई दोराया नहीं है। महाराष्ट्र में मैंने बहुत सारे पीसी भेजे भी थे और आपके यवतमाल में नांदेड़ में कई सारे पीसी हमने भेजे थे। ये दो जगह सबसे ज्यादा मेरा पीसी गया है, नांदेड़ और यवतमाल। जी जी जी, हम भी सर यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं। हाँ, हमारा सबसे बड़ा तहसील है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का वनी करके जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे महाराष्ट्र के लोग देख रहे हैं वो अगर उनको पीसी बनवाना है तो डेफिनेटली आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं और डेफिनेटली वो आपसे पीसी मंगवा सकते हैं। मैं यही हाथ जोड़ के सर 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 से पीसी बनवा है, क्योंकि सभी सामान जो है जेन्युइन है और कोई दिक्कत नहीं थी काम करते वक्त। चलिए बहुत अच्छी बात है, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपका नंबर इस वीडियो में डाल दूंगा। जी जी सर, जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉल बहुत आएगा, डाल सकते हैं, डाल सकते सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सही गाइडेंस दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मुझे एक्सपीरियंस है। चलिए ठीक है, आपके बारे में मैं लोगों को यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ ऑन कैमरा, अभी कैमरा चालू ही है, कि मैं सदानंद भाई का नंबर इस वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन जब भी आप कॉल करिएगा तो सुबह 10 बजे के बाद यानी कि 11 बजे से लेकर के और 8 बजे के पहले, अगर इस वीडियो को आप रात में देख रहे हैं तो कॉल ना करिएगा इनको, क्योंकि किसी को रात में परेशान करना ठीक नहीं है। आपको कुछ भी पूछना है भाई साहब से मेरे बारे में या मेरे काम के बारे में, अगर आप कहीं से भी हैं जैसे होता है ना इंक्वायरी टाइप में, तो उसका एक टाइम है, आप सुबह फ़ोन करिए 10 बजे के बाद और रात में फिर 8 बजे के पहले पहले, उसके बीच में कभी सामने वाले को परेशान ना करें, सही है ना सर? सही बात है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, मैं अब पीसी आपका पैक करता हूँ, पैक करके आपकी पीसी निकालता हूँ और आपको पर्ची भेजता हूँ। जी 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 सर, और मुझे और दो पीसी बनवाने हैं सर, मैं डेफिनेटली अभी देखूंगा बजट कितना है तो इन लोगों का, उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगा। चलिए ठीक है, ये पीसी पहुंच जाती है फिर ऑर्डर दीजिएगा। जी जी जी, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ठीक है सर, नमस्कार। दोस्तों ये है सदानंद जी जिनका पीसी का वीडियो आप देख रहे थे, और क्योंकि समय कम है, शाम होने वाली है, पार्सल निकालने का टाइम है, तो देर न करते हुए पीसी पैक करते हैं और इस पीसी में क्या क्या पार्ट्स जा रहे हैं ये पूरी जानकारी देते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और इस पीसी की पार्सल की पर्ची भी हम आपको वीडियो के लास्ट में दिखा देंगे, जिस पे आप खुद ये चेक करके गूगल पे आप जान सकते हैं कि वाकई में इस पीसी को सर जी लगाया भी है या फर्जी वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, अभी काफ़ी कुछ जानकारी शेयर करना बाकी है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों ये है इनका 5G का एंटीना भैया जी का, और ये है पावर केबल, आपके सामने ही हम अंदर डाल देंगे। सामान अंदर डाल के हमने पैक कर दिया है, अब इसकी पूरी कंप्लीट बबल्स वाली पन्नी लगा करके शानदार तरीके से पैकिंग कर लेंगे, और पैकिंग करने के बाद वापस कैमरे पे आ करके पैकिंग दिखाते हुए बाकी की जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे।